हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इंसर्ट के अंतर्गत यहाँ पे देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन तक के सारे ऑप्शन को मैंने करा दिया था। स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके लिब्रे ऑफिस राइटर से इन सारी वीडियोज को आप वॉच कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग फुट नोट और एंड नोट को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इनके बारे में, फुट नोट और एंड नोट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को फुट नोट के बारे में पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, फुट नोट हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे फुट नोट अगर यूज करना है तो ध्यान से देखो, सपोज करो स्टूडेंट्स कि मुझे फुट नोट किसी भी वर्ड के ऊपर यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल या कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस राइट किया गया। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने डिवाइस के बारे में स्टूडेंट्स कुछ भी राइट करना चाहता हूँ, फुट नोट एक प्रकार का, ठीक है, तो कैसे राइट करूँगा। सबसे पहले तो मुझे स्टूडेंट्स किसी भी वर्ड को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। आप ध्यान से देखो, वर्ड सेलेक्टेड है, मुझे क्या करना है स्टूडेंट देखो, इंसर्ट में जाना है और इसके बाद मुझे इस स्टूडेंट फुट नोट एंड इन नोट टॉप वाले ऑप्शन पे जाके फुट नोट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं फुट नोट पे क्लिक करूंगा ना, फुट नोट स्टूडेंट्स इस पेज के सबसे नीचे जाके क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, यानी जो पेज है उसके नीचे जाके इंसर्ट होगा। मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्लिक किया। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसी पेज के नीचे एक नंबर आ गया है और यहाँ पे एक कर्सर आ गया है। ये क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आप जो कुछ वर्ड यहाँ पे राइट करोगे ना, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स यह लिखा हुआ वहाँ पे, जहाँ पे आपने वर्ड को पहले सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपको क्या होगा, दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। जहाँ पे डिवाइस लिखा गया स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मशीन लिखा हुआ क्या हो, दिखाई दे जब मैं उस पर कर्सर लेकर जाऊं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मशीन राइट कर दिया है। आप ध्यान से देखो, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तब भी देखो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्सर आपका आ चुका है, देखो तो, और जा रहा हूँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मशीन। फुट नोट की जगह पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखो तो मशीन लिखा है कि नहीं लिखा है। सो स्टूडेंट्स, मैं डबल क्लिक करूँगा तो फिर नीचे आ जाएगा, और यहाँ से क्लिक करूँगा तो ऊपर चला जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी फुट नोट का कमाल, किस तरीके से फुट नोट कार्य करता है। फुट नोट स्टूडेंट्स हम किसी भी वर्ड के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं। फुट नोट अपने पेज के सबसे नीचे पोजीशन पे जाके क्या होता है, इंसर्ट होता है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक फुट नोट यहाँ पे ऐड किया है, आप चाहो तो दूसरा फुट नोट भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेनली पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया अभी, और एक और यहाँ से इंसर्ट में जाके फुट नोट को यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फुट नोट के अंतर्गत जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा जस्ट, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, दूसरा फुट नोट यहाँ पे आ चुका है। मैं वहाँ पे मेनली लिखा हुआ था, मैं इसके लिए मेजर टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, मेजर का मतलब हो जाएगा मुख्य। देखो तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं मेजर पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स देखो मेनली वाले पेज चला गया, और यहाँ पे जाते ही आपको मेजर क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। देखो तो स्टूडेंट्स, देखो तो दिखा रहा है कि नहीं यहाँ पे मेजर, और क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो ये बिल्कुल नीचे वाला आपको, यानी फुट नोट पे चला जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो तो अभी आ चुका है कि नहीं। स्टूडेंट्स, आई होप आपने यहाँ पे फुट नोट को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस इंसर्ट के अंतर्गत यहाँ पे आपको यहाँ पे फुट नोट और एंड नोट दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। फुट नोट अपने जिस पेज पे आप लगाओगे स्टूडेंट्स, उस पेज के बिल्कुल नीचे आता है, और एंड नोट स्टूडेंट्स अगर मान लो आपने अपने डॉक्यूमेंट पे 10 पेज बनाया है, तो यदि आप पहले पेज के वर्ड को सेलेक्ट करोगे स्टूडेंट्स, तो जो एंड नोट होगा वो बिल्कुल आखिरी पेज यानी 10वें पेज पे जाके क्या होगा, इंसर्ट होता है ना स्टूडेंट्स। सो
आई होप आप समझ रहे होंगे, एंड नोट सबसे लास्ट वाले पेज पे इंसर्ट होता है और फुट नोट जो होगा वो फर्स्ट पेज पे क्या होता है यानी जिस पेज पे होगा उसी पेज के बिल्कुल नीचे क्या कर लेगा वो इंसर्ट कर देता है। सो एंड नोट को भी करना चाहते हो तो कर सकते हो स्टूडेंट्स। आइए एंड नोट को करा के आपको बता देते हैं। इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, आपको अपना टेक्स्ट यहाँ पे किसी भी वर्ड के बारे में जो भी लिखना चाहते हो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने टाइप को यहाँ पे सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, टाइप जो हेडिंग्स है इसमें से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब मुझे लगाना है एंड नोट, तो मैं इंसर्ट में जाके स्टूडेंट्स ध्यान से देखो यहाँ पे जाऊँगा और एंड नोट पे जस्ट क्लिक करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर इसमें दो पेज हैं तो बिल्कुल दूसरे वाले पेज पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। देखो तो स्टूडेंट्स, एक ऊपर पेज है यहाँ पे, देखो तो ठीक है कि नहीं, यहाँ पे कई पेज है स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके, और यहाँ पे देखो ये लास्ट पेज में बिल्कुल जाके आपका यहाँ पे इंसर्ट हुआ है आपका ये एंड नोट। अगर वहाँ पे लिखा हुआ था स्टूडेंट्स टाइप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लासिफिकेशंस, जैसे ऐसे देखो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशंस, मैं ऐसे क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे एंड नोट के लिए क्लासिफिकेशन टाइप किया है। टाइप ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स दोनों से मान लो मैं बताना चाहता हूँ कि टाइप की जगह पे क्लासिफिकेशन राइट किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे ध्यान से देखो क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे लग गया है आई के रूप में एंड नोट यहाँ पे, ठीक है, यानी फर्स्ट है, रोमन की काउंटिंग है स्टूडेंट्स आई, ठीक है। और जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि यहीं पे आपने लगाया है, पे हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण जो ना स्टूडेंट्स। मैं क्लिक करूँगा तो बिल्कुल ये नीचे जाके आपको दिख जाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा अभी फुट नोट और एंड नोट में क्या अंतर है। फुट नोट जिस पेज पे आप लगाओगे उसी पेज के बिल्कुल नीचे यानी बॉटम में इंसर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, और जो एंड नोट होता है जितने सारे पेज होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल सबसे लास्ट वाले पेज पे जाके क्या होता है इंसर्ट होता है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को एंड नोट भी समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स इंसर्ट के ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अगले ऑप्शंस को देखते हैं। अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। स्टूडेंट्स लिब्री ऑफिस राइटर का ये काफ़ी अच्छा कमांड है स्टूडेंट्स, अगर आप इसे यूज करोगे तो इसे काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगी। जैसे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पहले इसे बंद कर देता हूँ स्टूडेंट्स और एक लिब्री ऑफिस को फिर से चालू कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, लिब्री ऑफिस राइटर में हम लोग हैं इस समय, मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें से पहले से एक बना हुआ पेज है मेरे पास राइट फाइल डॉट ओ डी टी के नाम से, मैं इसको क्लिक करके स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये फाइल मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है यानी लिब्री ऑफिस राइटर में। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, कमांड है स्टूडेंट्स इंसर्ट की, कौन सी कमांड है थोड़ा ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। स्टूडेंट्स इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से देखो, जस्ट स्टूडेंट्स इस तरह का पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस पेज में एक और पेज आपको बना लेना है। सो सबसे नीचे मैं जाऊंगा और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल एंटर बटन को प्रेस कर देता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो कंटेंट राइट किया गया है वो फर्स्ट पेज पे है और मैंने एक नया पेज बनाया है यहाँ पे, और मैं सेकेंड वाले पेज में कर्सर यहाँ पे रखा हुआ हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इंसर्ट में जो टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आप इसे टेबल के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है, आप टेबल में इसे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। सो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक टेबल यहाँ से, सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ऑप्शन पे क्लिक किया। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, टेबल कंटेंट ऑफ इंडेक्स पे यहाँ पे जाके क्लिक करना है, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स आर बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके स्टूडेंट्स आप इस तरीके से क्या करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इतना बड़ा आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको साफ साफ राइट किया गया है टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स आर बिब्लियोग्राफी, ठीक है। टाइप दिया स्टूडेंट्स देखो तो एंट्री दिया है, स्टाइल दिया है, कॉलम्स है, बैकग्राउंड है, पांच टैब है स्टूडेंट्स ध्यान से देखो। और स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह बनाई हुई उनकी डिटेल इधर दी जा रही है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखो टाइप वाले में ही रहना है,
आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट ना स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट ही बनाओगे ना यहाँ पे, तो टाइटल में टेबल ऑफ कंटेंट को रहने दोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्टेड है, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आओगे तो इंटायर डॉक्यूमेंट पे ही काम करना है, यानी पूरा डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्टेड रहने दोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दे रहा है लेबल के लिए, इसमें आप जितनी हेडिंग्स होंगे उसके हिसाब से आप रख सकते हो, मेरे पास तीन ही चार हेडिंग्स हैं, तो मैं यहाँ पे चार या तो पाँच कर देता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडेक्स मार्क्स ये हम लोग मैनुअल करने के लिए यूज करते हैं, सो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। आउटलाइन आप रहने देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इतना सारा काम करने के बाद स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, अभी ध्यान से देखो, मैं किसी भी टैब में अभी नहीं गया हूँ, इन टैब के बारे में मैं अभी अभी आपको बताऊँगा स्टूडेंट्स कि इन टैब का क्या मतलब है, ठीक है। जस्ट मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा देखिएगा, मैंने क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ आपके सामने, यहाँ पे देखो तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया, टाइप ऑफ कंप्यूटर और टाइप ऑफ मेमोरी। स्टूडेंट्स जितनी मैंने हेडिंग्स ऊपर बना रखी थी, आप ध्यान से देखोगे ऊपर जाके यहाँ पे देखो, ऊपर वाली सभी हेडिंग की डिटेल यहाँ पे आपको इस तरह के एक लिस्ट में आपको मिल रहा है। और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इधर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इंडेक्सिंग नंबर, इंडेक्सिंग नंबर का मतलब ये कौन से पेज पे है, फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज पे सारे जो भी आपने यहाँ पे आपने अपना हेडिंग बना रखा है सब फर्स्ट पेज पे है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैं जिस पे क्लिक करूँगा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा, लेकिन कब देखो तो स्टूडेंट्स जाने के बाद लिख रहा है वहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे चले जाओगे, सो मैं कंट्रोल को दबा के क्लिक करता हूँ। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, अभी मैं वहाँ पे आ चुका हूँ, कहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पे, अपनी फर्स्ट हेडिंग पे। वैसे ही स्टूडेंट्स यदि मैं कहूँ कि मुझे अभी टाइप ऑफ मेमोरी पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ध्यान से देखो टाइप ऑफ मेमोरी वाला कर्सर आ गया कि नहीं आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से मैं टाइप ऑफ कंप्यूटर वाले पे क्लिक करूँगा तो टाइप ऑफ कंप्यूटर वाले हेडिंग्स पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली चले जाओगे ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, इधर इंडेक्सिंग नंबर दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप जिस इंडेक्सिंग नंबर पर सभी का एक है, मैं क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स देखो क्या करता है, अभी क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गया जहाँ पे जाना था, इसी पे आपने क्लिक किया था वहीं पे गया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप इसके इंडेक्सिंग को अगर समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट्स तो मैं आपको इसकी इंडेक्सिंग को फिर से बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल नीचे वाले पे जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। देखो तो अभी टाइप ऑफ मेमोरी के ऊपर आया है कि नहीं आया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है, और ये इनका इंडेक्स नंबर है। समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट्स तो मैं इस चीज़ को फिर से हटा के आपको बता देता हूँ, मैं ओके पे क्लिक करके। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर तीन हेडिंग बना के रखी गई हैं, मैं इनको अलग अलग पेज पे कर सकता हूँ। अलग अलग पेज पे करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, इनके आगे जाके कंट्रोल को दबा के एंटर बटन प्रेस कर दो, देखो वो अगले पेज पे गया यानी फर्स्ट पेज पे हो गया। अब इसको भी आपको अलग पेज पे करना है तो कंट्रोल एंटर दबाओ, ये दूसरे पेज पे हो गया स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो नीचे वाला होगा आपका, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स जो नीचे वाला है वो आपके नीचे वाले पेज पे है, ठीक है। तो कितने पेज है टोटली स्टूडेंट्स, देखो तो तीन पेज है कि नहीं, पहला पेज, दूसरा पेज आपका यहाँ पे, और ये क्या है तीसरा पेज स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और पेज बना रखा हूँ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे एक और मेरे पास पेज है, तो टोटल मिला के कितने पेज हैं स्टूडेंट्स, चार। देखना चाहते हो तो इसकी जूमिंग कम कर दो, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे अभी देखो जूमिंग कम कर दिया है मैंने, ये देखो चार पेज दिख रहे हैं कि नहीं, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा और ये चौथा। स्टूडेंट्स तीन पेजों पर तीन हेडिंग्स हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। कौन सी कमांड पढ़ानी थी मुझे आप लोगों को, इंसर्ट के अंतर्गत जाके स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ना, पीछे आपको अभी एक बार बताएं स्टूडेंट्स, एक बार और देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। टेबल पे क्लिक करो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, और इसमें जाके टेबल एंड कंटेंट्स पे आपको क्लिक करना है। लेकिन कर्सर कहाँ पे रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रहना चाहिए, कर्सर आपको सबसे लास्ट वाले पेज पे रखना है, ठीक है। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक करके टेबल और कंटेंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखोगे आपके सामने इस तरीके से ये खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारी सेटिंग्स वैसे ही रहनी चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको जितनी हेडिंग्स है उसके हिसाब से आप इसी लेवल रख दोगे, ठीक है। मैंने 5 कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडेक्स मैनुअल वाले को हटा दोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इतना सारा कुछ करने के बाद स्टूडेंट्स
ध्यान से देखो, जैसे ही अब आप यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली सारे का इंडेक्स नंबर और कंटेंट टेबल कंटेंट आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, अब आपको समझ में आया? ये देखो हेडिंग्स तो वही रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, टाइप ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर, टाइप ऑफ मेमोरी, लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इनके इंडेक्सिंग बदल गए। ये देखो पहले पेज पे है पहली हेडिंग, दूसरे पेज पे दूसरी हेडिंग है और तीसरे पेज पे तीसरी हेडिंग है स्टूडेंट्स। तो ये इंडेक्सिंग नंबर है, अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये काम करेगा। देखो क्लिक करूँगा, देखो तो अभी लास्ट वाले जो है टाइप ऑफ मेमोरी उस वाले पे गया, क्योंकि मैंने तीसरी हेडिंग पे क्लिक किया था ना, यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे इंडेक्सिंग पे क्लिक किया था। दूसरी इंडेक्सिंग पे क्लिक करूँगा तो दूसरा वाला आ जाएगा टाइप ऑफ, यहाँ पे आपका क्या था, कंप्यूटर। देखो स्टूडेंट्स नीचे आपका टाइप ऑफ मेमोरी है, तो बीच वाले पे आया था यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर। यदि आप चाहते हो कि फर्स्ट वाले पे मुझे जाना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट वाले पे ऐसे क्लिक कर दोगे ना स्टूडेंट्स, तो आप फर्स्ट वाले पे आ गए। अब देखो इससे ऊपर कोई भी पेज नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग को, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की इंडेक्सिंग को इंसर्ट कर रखा है। मैं इसको डेकोरेट भी कर सकता हूँ, कैसे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, आपने अभी इंसर्ट में क्लिक किया था तो टेबल यहाँ पे ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्सिंग पे जब क्लिक कर रहे हो तो देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कई सारी टैब्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंट्री और स्टाइल टैब के अंतर्गत स्टूडेंट्स इसको आप मैनुअल सेट कर सकते हो। कॉलम से देखो, कॉलम में मैंने कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्लिक करके, जैसे कॉलम्स में, कॉलम्स में इसे करना चाहता हूँ तो मैं कॉलम्स में क्या कर सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे टू है, मैं थ्री वाले कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ तो थ्री कॉलम्स में क्या हो जाएगा, बट जाएगा स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो थ्री कॉलम में आपको यहाँ पे दिखाई देगा ओके करते ही, ये देखो ठीक है। तीन कॉलम में दिखा कि नहीं दिखा, यहाँ पे देखो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर अलग हो गया, टाइप ऑफ कंप्यूटर अलग हो गया और यहाँ पे टाइप ऑफ मेमोरी अलग हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से यदि आप दोबारा से क्लिक करोगे ना तो आप देखो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं जब क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन दिया है बैकग्राउंड का। यदि मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करके कोई कलर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स तो मैं कलर भी ऐसे दे सकता हूँ। और जैसे ही मैंने कलर दिया स्टूडेंट्स, मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्या किया था, इंसर्ट किया था, देखो तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर अलग वाले कॉलम में है, टाइप ऑफ कंप्यूटर अलग कॉलम में और टाइप ऑफ मेमोरी अलग कॉलम में आपको दिखाई दे रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको इंसर्ट का टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स ऑप्शन प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीच चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।